जिसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट अभी तक बैंक में जमा नहीं हो पाए हैं। सवाल यह है कि क्या अब एक दिन में ये जमा हो पाएंगे 12,000 करोड़ रुपए, या आरबीआई फिर कोई गाइडलाइन जारी करेगी इसके मद्देनजर। देखिए खास रिपोर्ट। दो हजार के नोट को लेकर हमेशा से काफी हलचल रही है। जब नोट शुरू हुआ था तब भी, और अब जब नोट बंद होने वाला है तब भी हलचल जोरों पर है। इस बार नोट शुरू और बंद होने से ज्यादा हलचल इस बात की है कि नोट जमा करने में महज एक दिन का वक्त बचा है और 12,000 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट अभी तक जमा नहीं हो पाए हैं। आरबीआई ने 2,000 रुपए का नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी थी, जिसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दिया गया। अब शनिवार को नोट बदलने की आखिरी तारीख है, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट अभी तक वापस बैंक में नहीं लौटे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने लोगों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द पैसों को बैंक में जमा करवा दें। लार्जली मेट आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ यू नो विथड्रॉयल ऑफ 2,000 रुपी नोट्स। द प्रोसेस नाउ इज विद द बैंक टिल टुमारो एंड देन देयर आफ्टर विद द इशू ऑफिसेस। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक अभी तक 2,000 रुपए के 87% नोट ही बैंक में लौटे हैं, लेकिन 13% बैंक नोट अभी भी लापता हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपए के 87% नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए अभी भी बैंकों में वापस नहीं आए हैं। 2,000 रुपए के 87% नोट बैंकों में लौटे, 12,000 करोड़ रुपए के नोट अभी भी लापता, 7 अक्टूबर को नोट बदलने की आखिरी तारीख, एक दिन में कैसे जमा हो पाएंगे 12,000 करोड़, आखिर कहां है 12,000 करोड़ रुपए, एक दिन में कैसे जमा होगी इतनी बड़ी रकम। सवाल ये है कि 12,000 करोड़ रुपए कहां गए और एक दिन में कैसे जमा होगी इतनी मोटी रकम, क्योंकि अगर ये नोट कल तक बैंक में नहीं पहुंचे तो 12,000 करोड़ रुपए के नोट रद्दी में बदल जाएंगे। बीते 29 सितंबर तक 14,000 करोड़ रुपए बैंकों तक नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने नोट वापस करने की आखिरी तारीख को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी, जो शनिवार को समाप्त हो रही है। लेकिन अभी भी एक मोटी रकम का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में क्या रिजर्व बैंक एक बार फिर से नोट वापस करने की आखिरी तारीख को बढ़ाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रयागराज से लेकर पश्चिमी यूपी तक एक बड़ा सिंडिकेट फैला हुआ है, जो शिक्षा जगत को खोखला कर रहा है। देखिए खास। कई जिलों में फर्जी डिग्री पार्टी